ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था, 10 साढ़े 10 साल पहले, 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा, ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। और आज 10 साढ़े 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं देश में, पूरे देश में 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं, और उनमें केवल 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उन 6 में से केवल 3 पार्टियां हैं जिनकी एक या एक से ज्यादा राज्यों के अंदर सरकारें हैं। उन 3 में आम आदमी पार्टी आती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी सपोर्टर्स को, हमारे शुभचिंतकों को, हमारे वोटर्स को, और सबसे ज्यादा हमारे क्रिटिक्स को जो हमें बताते रहते हैं समय समय पे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। भगवान ने वहां से, उस वक्त तो अपने पास कुछ भी नहीं होता था, ना पैसे थे ना आदमी थे। पैसे आज भी नहीं है, आदमी बहुत हैं, अब लोग बहुत हैं, लेकिन ऊपर वाला साथ है। आज सवेरे मैं यही सोच रहा था कि कहां से कहां आ गए, तो इसका मतलब ऊपर वाला कुछ कराना चाह रहा है हमसे, है कि नहीं है? हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारी तो अकाल औकात ही कुछ नहीं थी। भगवान ने वहां 0 से यहां पहुंचा दिया, इसका मतलब ऊपर वाले के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ऊपर वाला कुछ तो हमसे देश के लिए कुछ तो कराना चाह रहा है। आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है। मनीष सिसोदिया क्या क्या कसूर है? कल मैं एक उद्घाटन करने गया था ईस्ट विनोद नगर में, एक स्कूल में, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जर्मन पढ़ाई जाती है, स्पेनिश पढ़ाई जाती है, जैपनीज पढ़ाई जाती है। मेरी पढ़ाई हिसार के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में हुई थी, हमारे स्कूल में भी ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर वो शिक्षा दी जाती है। तो मनीष सिसोदिया का कसूर था कि उसने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए कि सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने का जज्बा रखो। ये कसूर था मनीष सिसोदिया का। 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनको उसने सपने दिए, उनके सपनों को उसने पर दिए, और ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल लिया। जैन साहब का क्या कसूर था? उनका कसूर था कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पैदा हो उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो।
गरीब आदमी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रुलेगा, वो कॉरिडोर में पड़ा रहेगा, उसको दवाई नहीं मिलेगी, उसको इलाज नहीं होगा। अच्छा इलाज कराएंगे, सबका अच्छा इलाज कराएंगे, सरकार कराएगी इलाज अच्छा। ये कसूर था सत्येंद्र जैन का। उसने एक सपना देखा था देश के लिए, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर उसको बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन बेचारा नहीं है वो, भगत सिंह का चेला है। तो ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम इज कम। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किए। हमारे बहुत साथी हैं जिन्होंने खूब डंडे खाए, आपने भी खाए। अच्छा, एक महीने बेड पे थे, फ्रैक्चर हो गया था, बहुत डंडे खाए, जेल गए, बहुत लोग जेल गए। हमारी संतोष कोहली शहीद हो गई, हमारे साथ मीरा सान्याल जी होती थी, बिपिन करके एक लड़का था पंजाब में, चुनाव में प्रचार के दौरान उसका हार्ट अटैक हो गया। और भी ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने इस यात्रा के दौरान खोया है। आज इस मौके पे हम उन सबको याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, अपने परिवार, नौकरी करते थे, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के आ गए, क्योंकि उनको, उन्होंने सबने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश के अंदर अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो सब बड़े खुश हैं कि दिल्ली के अंदर, अब पंजाब के अंदर जिस तरह से मॉडल गवर्नेंस का बनाया जा रहा है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत लोगों ने संघर्ष किया है और आज टाइम है अपनी आइडियोलॉजी को याद करने का, अपनी विचारधारा को याद करने का। आम आदमी पार्टी की विचारधारा के तीन स्तंभ हैं, याद है ना सबको? याद नहीं है? तीन स्तंभ हैं, कट्टर ईमानदारी, मर जाएंगे देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे, बेईमानी का पैसा घर में नहीं आएगा, कट्टर ईमानदारी। दूसरा स्तंभ है कट्टर देशभक्ति, देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो जान हाजिर है, फांसी पे चढ़ जाएंगे। और तीसरा स्तंभ है इंसानियत, इंसान को इंसान समझना है, इन लोगों की तरह गुंडागर्दी नहीं करनी। गुंडागर्दी हमारी विचारधारा नहीं है, उनकी हो सकती है। इंसानियत, इंसान के लिए कुछ भी करने की जरूरत पड़े, इंसान से को इंसान से मोहब्बत करनी है। हम गाते हैं ना, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो इंसानियत तीसरी हमारी आइडियोलॉजी है। पहली बार देश के अंदर पहले कहते थे चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए, बेईमानी तो करनी पड़ती है। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से सरकार चलाई भी जा सकती है और सफल सरकार चलाई जा सकती है। हमने साबित कर दिया कि सफल सरकार तो ईमानदारी से ही चलाई जा सकती है, बेईमानी से सफल सरकार नहीं चलाई जा सकती। तो जैसा मैं कह रहा था, भगवान हमसे कुछ कराना चाह रहा है। हम सबका सपना है कि भारत दुनिया का नंबर वन देश बने, मेक इंडिया नंबर वन। और हमारा देश बन सकता है नंबर वन, हमारे देश के अंदर क्षमता है, लोगों में क्षमता है। और शायद भगवान ये चाहता है कि ये भगवान की भारत को दुनिया का नंबर वन देश तो ये आम आदमी पार्टी वाले ही बनाएंगे, ये काम हमारे हाथों से ही कराना चाहता है। देश की राजनीति के अंदर राजनीति को एक नई दिशा दी है। अभी तक जब भी ये लोग चुनाव में आते थे,
केवल और केवल गुंडागर्दी, गाली गलौज। उसने उसको गाली दे दी, उसने इसको गाली दे दी, उसने उसको कुछ कह दिया, उसने इसको कुछ कह दिया। टीवी वाले आते थे जी, उन्होंने आपके बारे में ये बोला, आपको क्या कहना है? अरे बोलने दे, क्या हमको क्या लेना देना किसी ने क्या कहा हमारे बारे में। बस यही चलती थी राजनीति। इसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? उसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। पहली बार इन सबको, सबसे बड़े नेता को एक फर्जी क्लास में ले जाके बिठा दिया हम लोगों ने। वो पता नहीं असली स्कूल में गए कि नहीं गए, लेकिन इस जिंदगी में उनको एक दिन असली स्कूल में भी भेजेंगे। पहली बार देश की राजनीति में स्कूलों की बात होने लगी है। जहां हम जाते हैं चुनाव लड़ने, वहीं पे सारी पार्टियां स्कूलों की बात करती है, अस्पतालों की बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है। सुन के अच्छा लगता है। यही तो होनी चाहिए राजनीति, असली राजनीति तो यही है कि स्कूल की बात हो, राजनीति पानी की बात हो, बिजली की बात हो। अब सारी पार्टियां कहती है बिजली फ्री देती नहीं है, कहती तो है, कहलवा तो दिया सबसे। अमित शाह जी ने भी एक, मेरे को याद है, कहीं बोला था, वेस्ट बंगाल में जाके बोला था, हमारी पार्टी की सरकार बनी तो इतने यूनिट बिजली फ्री, कहलवा सबसे दिया, करवा भी देंगे सब लोगों से धीरे धीरे। एक बारी और सब लोगों को याद दिला दूं, कई बार बोल चुका हूं, हम लोग आम आदमी पार्टी में मरने मिटने के लिए, देश के लिए आए हैं। अगर किसी के मन के कोने में कभी आए पद की इच्छा, पैसे की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, तो या तो वो फीलिंग निकाल देना और या आम आदमी पार्टी छोड़ देना, गलत पार्टी में आ गए। और उसमें अब एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ये अब जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहती देश में स्कूल खुलें, वो नहीं चाहती देश में अस्पताल बने। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे, एक एक करके सबका, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं फिर उसके बाद तो बेल वेल मिल ही जाती है। तो अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है तो आम आदमी पार्टी छोड़ देना। जैसा मैंने कहा, आज दो किस्म की राजनीति देश के अंदर चल रही है। एक पॉजिटिव राजनीति, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हम चुनाव लड़े, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हम हमेशा, मैंने पिछले चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, चुनाव के पहले बोल दिया था कि भाई मैंने 5 साल में काम किए, अगर आपको मेरे काम अच्छे लगे तो मेरे को वोट देना, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। काम के नाम पे वोट मांगे हमने, पंजाब में गए हमने अपनी गारंटियों के नाम पे वोट मांगे, गोवा में गए, गुजरात में गए, अपनी गारंटियों के नाम पे, काम पे वोट मांगे। ये पॉजिटिव राजनीति है। और ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, मारकाट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये नेगेटिव राजनीति है। इस देश को पहली बार हम लोगों ने एक पॉजिटिव राजनीति दी है। आज इस मंच से इस देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। और आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे जो जो लोग देश भर में, आप तो जुड़े हुए हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है,
इस पे मिस कॉल मारें जो जो देख रहे हैं 9871010101 इस नंबर पे मिस्ड कॉल मारें आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए। और अंत में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर इस देश की सेवा के लिए ये जान चली जाए तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। इस शरीर का कतरा कतरा, मेरे शरीर के खून का कतरा कतरा इस देश के लिए अगर शहीद हो जाए तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। देश के उन सब करोड़ों लोगों को सलाम जिन लोगों ने इतने कम समय में आम आदमी पार्टी पे इतना विश्वास किया, इतनी बड़ी हमको जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय पार्टी बनने की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग पूरी कर पाएं, ऐसा हमें ताकत दें, हमें सद्बुद्धि दें। बहुत बहुत शुक्रिया।